नमस्कार, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन राज। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन खत्म होने के बाद तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजभर हवा हवाई राजनीति करते हैं, वो अपने दम पर एक भी विधायक नहीं जिता सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन समाजवादी पार्टी में मेरे आने से पहले हुआ। पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसलिए मुझ पर उनकी खींच मिटाना यह बहुत ही हास्यास्पद है। मौर्य ने कहा कि राजनीति यह तो विचारों की होती है या हिस्सेदारी की होती है। हिस्सेदारी की जहाँ तक बात है, पिछले 20 साल तक राजभर ने पार्टी बनाई थी लेकिन एक भी विधायक नहीं जीत पाए। स्वामी प्रसाद की इस मौर्य को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस सीट से लड़े थे वो सीट भी हार गए और उस जिला में समाजवादी पार्टी साफ हो गई है। आइए हम आप दोनों नेताओं के बयानों को सुना। श्री ओम प्रकाश राजभर जी अपने बयानबाजी से खुद प्रदेश की जनता के सामने मजाक का विषय बन गए हैं। पहले तो उन्होंने गठबंधन धर्म तोड़ा, मीना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किए, उन्होंने गठबंधन पार्टी के निर्णय के विपरीत एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार को छोड़ दिया, हवा में बयानबाजी किया कि अब हम बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करेंगे, जबकि बसपा की ओर से नो एंट्री का फरमान जारी हो गया। तो कुल मिलाकर के वो तो अपने को हंसी का विषय बना रहे हैं और साथ ही साथ नित्य नए उनके बयान इस बात को जाहिर करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई मोरल दुश्मनी, नैतिक दुश्मनी? आज तो बड़ा उन्होंने टांस के बोला है। अरे वो आप, वो बहुत बड़े नेता हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी बात किए कि पूरा जिला साफ कर दिए समाजवादी का। कहाँ का? जहाँ से लड़े थे, एक भी सीट नहीं जीतने दी। नहीं गए? हाँ, आए थे जिताने के लिए, आए थे पूरी ताकत लेकर के उलटने के लिए, उलट गए खुद है बेचारे। हम जो बात कहते हैं हम बहुत समझ के कहते हैं, वो जो बात कहते हैं वो बस सोच के कहते हैं। हो जाएगा ऐसा? कैसे हो जाएगा? आप जिस उम्मीद के साथ यहाँ आए थे, 4.5 साल मलाई काट लिए थे भाजपा में, स्वर्ग वहां नहीं दिख रहा था, आ गए स्वर्ग यहां बनाने, पता चले कि यहां आने के बाद और खराब कर दिए। गोरखपुर ठेका लिए थे जिताने का, देवरिया जिताने का ठेका लिए थे, कुशीनगर जिताने का ठेका लिए थे, क्या हुआ? लेकिन हमने कहा बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, जौनपुर, हमने ठेका लिया था, देखिए हमारा परिणाम। तो उनसे बढ़िया तो हमारे नेता ने स्पष्ट प्रमाण दिया और रिजल्ट दिया कि हाँ, हम जो कहे वो करके दिखाए।